फटाफट खबरों की। सीएम योगी ने भगवान झूलेलाल जयंती के मौके पर देश और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। झूलेलाल सभी को सुख और समृद्धि प्रदान करें। सीएम योगी ने चैत्र नवरात्रि की समस्त प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। भगवान सभी का जीवन सुख समृद्धि सौहार्द से परिपूर्ण करें। पीएम मोदी ने चैत्र नवरात्रि पावन अवसर पर देश और प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। ये पावन अवसर पर हर किसी के जीवन में हर्षोल्लास लेकर आए। सीएम योगी ने कोरोना को लेकर मंत्रियों को दिशा निर्देश दिए। सभी प्रभारी मंत्री को जिले में कोरोना को लेकर बैठक करने के भी निर्देश दिए। सीएम योगी ने कहा, खुद को बचाते हुए जनता को बचाने में जुटे हुए हैं। कोरोना की लड़ाई में हर तबके का सहयोग जरूरी है। आज चैत्र नवरात्र का पहला दिन है। इन 9 दिनों में मां के 9 रूपों की पूजा की जाती है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि में रंगों का भी विशेष महत्व होता है। कहते हैं कि 9 दिनों में 9 रंग माता दुर्गा के हर एक रूप को समर्पित होते हैं। नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। इस दिन पीले रंग के वस्त्र धारण किए जाते हैं। कहा जाता है कि पीले रंग के वस्त्र धारण करके पूजा पाठ करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने यूपीपीएससी 2020 का फाइनल रिजल्ट किया जारी। रिजल्ट में लड़कियों ने मारी बाजी। पहले 2 स्थान पर लड़कियों का हुआ चयन। साउथ दिल्ली की संचिता बनी टॉपर। लखनऊ की शिवाक्षी दीक्षित को मिला 2रा स्थान। साउथ दिल्ली की संचिता बनी टॉपर। 3रे स्थान पर पलवल हरियाणा के मोहित चयनित। टॉप 10 में 5 लड़कों और 5 लड़कियों ने बनाई जगह। प्रयागराज के ललित कुमार मिश्रा को मिला 6वां स्थान। ग्रेटर नोएडा में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर वोटरों को लुभाने के लिए प्रत्याशियों द्वारा तरह तरह के प्रलोभन देने की कवायद चल रही है। कास्ता कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक कार में 25 लाख रुपए नकद बरामद किए। कार में सवार लोगों ने पुलिस को रुपयों के विषय में संतोषजनक जवाब नहीं दिया। पुलिस ने कार सवार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। कानपुर के पनकी थाना क्षेत्र में दबंगों के हौसले बुलंद। दबंगों ने गेस्ट हाउस संचालक की जमकर पिटाई कर दी। बहराइच में बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़। पुलिस की फायरिंग में बदमाश घायल। 50,000 का इनामी है बदमाश। पीलीभीत जिला के पुरनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव शेरपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली में मासूम को कुचला। आगरा के पंचायत खेड़ा आजीपुर गांव में पुलिस ने पंचायत चुनाव में ले जा रही 110 किलो लड्डू को किया बरामद। जांच जारी। आगरा में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू। लोगों से पुलिस ने की अपील, कोरोना गाइडलाइंस पालन करने की अपील। फिरोजाबाद के थाना टूंडला क्षेत्र के टोल टैक्स के पास कार बनी आग का गोला। अज्ञात वाहन से टकराई कार। कार में सवार पति पत्नी चले। लखनऊ के कैंट इलाके में युवक और युवती का मिला शव। महिला के पेट में लगी है गोली। पुरुष के कनपट्टी पर गोली का निशान। दोनों के हाथ में मिली रिवॉल्वर। पुलिस मामले की जांच में जुटी। युवक की संजय निगम के रूप में हुई पहचान। मुजफ्फरनगर के नगर कोतवाली क्षेत्र के भगत सिंह रोड पर ट्रक ने कार में मारी टक्कर। शराब के नशे में धुत था ट्रक चालक। सिद्धार्थनगर जिले के सूरतगढ़ थाना क्षेत्र में इंडो नेपाल सीमा चौकी बसंतपुर के पास से एसीसीबी और पुलिस की संयुक्त टीम को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान इंडो नेपाल सीमा चौकी बसंतपुर के पास 2 किलो 21 ग्राम चरस बरामद की है। गाजियाबाद में कोरोना की वजह से बैंकेट हॉल और फार्म हाउस संचालकों और उनके कर्मचारियों की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। बीते साल लॉकडाउन की वजह से धंधा चौपट हो गया था। इस बार भी नाइट कर्फ्यू के बाद लगातार शादी समारोह की बुकिंग कैंसिल हो रही है। कानपुर में मालगाड़ी हुई डिरेल। फरुखाबाद से कानपुर जा रही मालगाड़ी डिरेल। मालगाड़ी की बोगी के पिछले 4 पहिए पटरी से उतरे। रेलवे अधिकारियों में मचा हड़कंप। पीलीभीत के कचरौला थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की की रहस्यमयी ढंग से मौत हो गई। लड़की के परिजनों ने बताया कि पड़ोस गांव का रहने वाला धर्मपाल ने लड़की के साथ जबरन दुष्कर्म किया। दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में परिवार के लोगों ने देखा था। उसके बाद बीती रात धर्मपाल ने लड़की की अला दबाकर हत्या कर दी और मौके से भागने में सफल हो गया।
सुल्तानपुर में एक युवक की जमीनी विवाद में पीट पीट कर हत्या कर दी गई घटना लंबुआ इलाके के सकवा नहर पुल के पास की है, जहां पर सौतेले भाई ने भाई की लाठी डंडों से पीट पीट कर हत्या कर दी। युवक बब्बल कोतवाली देहात के सातनपुर का रहने वाला था, उसका अपने ही परिवार में संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था। हापुर के थाना थलौना क्षेत्र में गेहूं की फसल में लगी आग, 20 बीघा फसल जलकर हुई राख, हाईटेंशन तार टूटने से हुआ हादसा, दमकल की टीम ने आग पर पाया काबू। ग्रेटर नोएडा के दनकौल थाना क्षेत्र के दादूपुर गांव में चोरों ने दो घरों को बनाया निशाना, जेवर समेत कई सामान भी चोरी कर लिए। पीलीभीत के कचरौला थाना क्षेत्र में युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, गांव के युवक पर लगा दुष्कर्म और हत्या करने का आरोप। लखनऊ के जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने कोविड-19 को लेकर जारी किए निर्देश, बिना सक्षम स्तर के अनुमति प्राप्त किए अवकाश पर रोक। जालौन में पंचायत चुनाव के तीसरे चरण का नामांकन 13-15 अप्रैल तक, 20 जनपदों में नामांकन, 26 अप्रैल के मतदान के लिए नामांकन शुरू, जिला प्रशासन ने सभी तैयारियों की पूरी। उत्तर प्रदेश के बिगड़ते हालात को देखते हुए सीएम योगी एक्टिव हो गए हैं, सीएम योगी ने आदेश दिया है कि निजी अस्पतालों को भी कोविड अस्पताल घोषित कर दिया जाए। कोरोना ने उत्तर प्रदेश में पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के रिकॉर्ड 15,353 नए मामले सामने आए हैं। टीम 11 के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में 70% आरटीपीसीआर जांच हो। मुख्यमंत्री योगी ने प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर जिलों के अफसरों को काफी सख्त रहस्य में चुताया है, उन्होंने कहा है कि गलतफहमी में न रहे, लॉकडाउन नहीं लगेगा, हम जनता को मरने नहीं देंगे, बेड की शिकायत नहीं मिलनी चाहिए, पहले से पूरी तैयारी करें। सीएम योगी ने कहा कि कोरोना के खिलाफ संघर्ष को पूरी तैयारी के साथ मजबूती से लड़ना होगा, इस संघर्ष में लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं है। पिछले वर्ष कोरोना संक्रमण को नियंत्रण करने की सफलता मिली है, उसी प्रकार से इस बार भी इस मजबूती से लड़ाई लड़ते हुए हम सफल होंगे। अलीगढ़ में 29 अप्रैल को होने वाली त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है। उन्नाव में कल से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है, जिले के 16 विकासखंड कार्यालय में ग्राम प्रधान बीडीसी पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी नामांकन पर्चा दाखिल करेंगे। जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी कलेक्ट्रेट कार्यालय में बनाए गए आरओ कक्ष में नामांकन पर्चा दाखिल करेंगे। औरैया में तीसरे चरण में होंगे पंचायत चुनाव, चुनावी प्रक्रिया में 13 और 15 अप्रैल को दाखिल होंगे नामांकन, 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती में अवकाश होगा। पंचायत चुनाव को लेकर भारत नेपाल के आला अधिकारियों की एक बैठक महाराजगंज जनपद के सनोली सीमा के समीप स्थित एसएसबी के 66 वाहिनी बटालियन हेडक्वार्टर में आयोजित की गई है, जिसमें भारत और नेपाल के प्रशासनिक पुलिस एसएसबी अन्य सुरक्षा संबंधित विभागों के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। जिला पंचायत सीट पर हो रहे चुनाव में कब्जेदारी को लेकर बीजेपी समर्थित प्रत्याशियों के और निर्दलीय प्रत्याशियों के समर्थक आमने सामने हो गए। सिद्धार्थनगर जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर कर्मचारियों की ट्रेनिंग भी शुरू हो चुकी है, मुख्य विकास अधिकारी पुलकित गर्ग ने पंचायत चुनाव में लगे कर्मचारियों के बारे में बताते हुए कहा कि इस बार 32 बूथ बनाए गए हैं, जिन पर चुनाव संपन्न कराने के लिए रिजर्व कर्मचारियों को लेकर करीब 15,000 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। ग्रेटर नोएडा के कलेक्ट्रेट में जिला पंचायत प्रत्याशियों और प्रस्तावकों के साथ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों ने एक बैठक की और आचार संहिता के बारे में उन लोगों को जानकारी भी दी है। इस दौरान उन्होंने बताया कि कहीं भी आपके द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन किया गया तो आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ में हनी ट्रैप चलाने वाले गिरोह के 5 सदस्य गिरफ्तार, ब्लैकमेलिंग कर वसूलते थे पैसे, 3 पुरुष और 2 महिलाओं को पुलिस ने किया गिरफ्तार, लखनऊ हनी ट्रैप चलाने वाले 5 लोग गिरफ्तार, वर्दी पहनकर लोगों को ब्लैकमेलिंग से करते थे वसूली, पुलिस ने 2 दरोगा की वर्दी, 1 कांस्टेबल की वर्दी की बरामद, 1 एयर पिस्टल, 1 कार सहित अन्य चीजें की बरामद।
लखनऊ के प्राचीन चंद्रिका देवी मंदिर में सोमवती अमावस्या पर भक्तों की भीड़ लगी। कोविड-19 प्रोटोकॉल का जायजा लेने IHV लक्ष्मी सिंह और PKT उप जिलाधिकारी पहुंचे। लखनऊ में बढ़ रहे मरीजों को देखते हुए आदेश दिए हैं कि धार्मिक स्थानों पर 5 से अधिक लोगों के जाने पर पाबंदी है। चंद्रिका देवी मंदिर कमेटी के अध्यक्ष ने नवरात्रि पर पुजारियों से पूजा अर्चना एवं आरती कर मंदिर के कपाट बंद करने का आदेश भी दिया। लखनऊ के बिल्डर्स मॉल की दूसरी मंजिल में आग लगी। दूसरी मंजिल पर बने गोदाम में लगी आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। पुलिस महानिरीक्षक लखनऊ परिषित लक्ष्मी सिंह अचानक सीतापुर पहुंचे, जहां उन्होंने धार्मिक नगरी नैमी श्राणय क्षेत्र में पहुंचकर चक्रतीर्थ एवं ललिता देवी मंदिर का भ्रमण किया। इस दौरान आगामी नवरात्रि मेले को लेकर कोविड प्रोटोकॉल के अंतर्गत की जा रही तैयारियों की IG ने समीक्षा कर निर्देश दिए कि सभी जगहों पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन होना चाहिए। फिरोजाबाद पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। पुलिस ने 4 हीरोइन तस्करों को किया गिरफ्तार। तस्करों के पास से भारी मात्रा में हीरोइन बरामद। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 2 करोड़ बताई जा रही हीरोइन की कीमत। गैंग का सरगना तस्करी मामले में मुंबई जेल में बंद। जालौन के नावली के जंगल में बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़। एक बदमाश को लगी पैर में गोली। नोएडा में तिलपता गांव में बदमाशों ने दुकान में घुसकर की लूट। बुजुर्ग महिला की चेन लूटकर हुए फरार। बदमाश दुकान में लगे कैमरे में कैद हुई पूरी घटना। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर प्रदेश सरकार ने बड़ा आदेश जारी कर दिया है। प्रशासन की ओर से मंडियों को खोलने का समय सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक कर दिया गया है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर धार्मिक स्थलों पर 1 साथ 5 लोगों की एंट्री पर पाबंदी लगा दी गई है। लखनऊ में कोरोना गाइडलाइंस जमकर धज्जियां उड़ा रही हैं। कोरोना गाइडलाइंस का पालन न करते हुए सैकड़ों श्रद्धालु हर रोज चंद्रिका देवी मंदिर पहुंच गए हैं। कोरोना महामारी के कारण धार्मिक स्थलों में 1 साथ 5 से ज्यादा लोगों पर पाबंदी के बावजूद बक्शी का तालाब में स्थित चंद्रिका देवी मंदिर में 1 साथ सैकड़ों लोग पहुंच रहे हैं।